नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज वन की सांकालिक समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना के विचित्र संयोग में आज से प्रारंभ हुई शारदीय नवरात्रि, रानी तालाब शक्तिपीठ दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु, पुलिस पर सलाखों के पीछे सामूहिक दुष्कर्म के लगे आरोप, अधिवक्ता संघ ने किया खुलासा, डीजे ने दिया जाँच के आदेश। FD के नाम पर डकार गए 31 लाख शिकायत पर पुलिस ने जब्त किए ट्रक एवं चारपहिया वाहन। अब खबरें विस्तार से। इस साल नवरात्र और कोरोना का विचित्र संयोग है। वैसे तो शक्ति के उपासकों के लिए यह साधना का स्वर्णिम अवसर है, जहां पर घर पर बैठकर आराम से मां भगवती की स्तुति करने का मौका मिला है। आज से शुरू हो रहे नवरात्रों में प्रथम दिन मां शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जो स्थिरता लाती है। दाएं हाथ में त्रिशूल संहार एवं बाएं हाथ में कमल शांति का प्रतीक है। माँ के इस प्रथम रूप को स्मरण कर देवी की आराधना की जाती है। इसी कड़ी में नवरात्र विशेष अंक में आज न्यूजमैन आपको एक बार पुनः ले चलता है रीवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ शारदा के मंदिर रानी तालाब, जिसकी अपनी अनूठी कहानी है। रानी तालाब मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। इस शक्तिपीठ में माँ कालिका को विशाल रानी तालाब की देवी के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि करीब 450 वर्ष पूर्व लवाना जाति के लोगों ने इस तालाब की खुदाई की थी। उस वक्त रीवा राजघराने की महारानी कुंदन कुंवर द्वारा इस मंदिर में रक्षाबंधन के दिन पूजा अर्चना करने पहुंची थी और प्रसन्न होकर लवाना लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था, जिस पर लवाना ने इस तालाब को उपहार स्वरूप महारानी को दे दिया था, जिसके बाद इस तालाब का नाम रानी तालाब पड़ता। वहीं इस मूर्ति की स्थापना के पीछे भी एक अनूठी कहानी है, जिसमें यह कुछ व्यापारी अपने साथ एक काली माँ की मूर्ति लेकर साथ आए थे और रात्रि विश्राम के लिए यहाँ रुके थे। वहीं जाते समय जब यह मूर्ति ले जाने लगे तो यह मूर्ति नहीं उठी, जिसके बाद इस स्वस्थापित मूर्ति की जानकारी के बाद राज परिवार द्वारा माँ का 16 श्रृंगार दे माँ को सजाया गया, जिसके बाद से प्रशासन की देखरेख में अष्टमी को चांदी एवं नवमी को सोने का श्रृंगार किया जाता है, जिसके दर्शनार्थ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँच दर्शन कर मनचाहा वरदान पाते हैं। प्रस्तुत है पुजारी देवी प्रसाद शर्मा से जानकारी के अंश। बताएं पंडित जी, रानी तालाब मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, कैसे देवी जी की स्थापना हुई थी यहाँ पर, कैसे चालू हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आती है, मैं यहाँ का प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी, ये पहले रजवाड़ों के ज़माने से, राजा ब्राह्मदेव के ज़माने से लगभग 450 वर्ष हो चुके हैं तब माई की स्थापना की गई थी, और पहले रजवाड़ों द्वारा इसका संचालन पूरा चलता था। ऐसे करते करते बहुत ही, हम तो 8 पीढ़ी बीत गए, तो 8 पीढ़ी के बीच हमने देखा कि पहले राज्य सरकार राजाओं द्वारा किया गया, इसके बाद भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, अब इसके बाद पूर्ण संचालन जो है राज्य सरकार द्वारा होता है। तो ये है रानी तालाब। सबसे बड़ी बात यह होती है रानी तालाब इसका नाम कैसे हुआ। पहले के ज़माने में लवाना लोग चला करते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक चिन्हारी बना कर जाते थे, तो उस समय महारानी साहब कुंदन कुमार रानी थी, तो वो जोधपुर की रहने वाली थी, जो लवाना थे वो भी जोधपुर की रहने वाली थी, तो वो यहाँ निकले तो तालाब लोग निर्माण करते थे। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, तो माता जी दर्शन के लिए जब आई तो बोले कि हर भाई बहन को कुछ कुछ देता है, तो बोले हम तो कुछ देने लायक है नहीं, क्योंकि मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन आप हमारे कलाई में राखी बांध दीजिए, और ये तालाब आज से इसका नाम पड़ गया रानी तालाब, उस दिन इसका नाम पड़ गया रानी तालाब। ठीक, यहाँ पर जो है पूर्व में जो है भैरव जी का मंदिर है, पश्चिम में माता जी का मंदिर है, उत्तर में शिव का मंदिर है, और दक्षिण में भगवान शिव गणेश का मंदिर है, उसके बगल में कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो अब इसमें थोड़ा दर्शन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब वैदिक कटिंग हो जाएगी तो जैसे लोग भैरव बाबा जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे, जो इधर राधे कृष्ण जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा व्यवस्थाएँ सब देखना पड़ेगा। अब देखिए व्यवस्था चल रही है, और जितना ज़्यादा ज़्यादा व्यवस्था हो जाएगी तो शायद सौभाग्य प्राप्त हो जाए गणेश जी को भी दर्शन करने का। शिव मंदिर भी है बीच में। हाँ, शिव मंदिर शिवलिंग है, यहाँ जो लोग बोट से जाते हैं तो बोट वगैरह भी चलती है, नाव वगैरह भी चलती है, तो अब इस समय वहाँ जाने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो कहीं कोई छठ उठ जाए और थोड़ा जीवन से स्थिति भी देखी जाती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मंदिर? अरे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, ये बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली तक के लोग आते हैं, पर यहाँ अभी हम परसाल गए थे तो यहाँ के आंध्र प्रदेश तक के लोग आते हैं, हमसे मिले बोले गुरु जी हम बहुत दूर से आए हैं, छड़िंग मात को दर्शन करा दीजिए, तो हमने कहा भाई दर्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नियम 1 बजे बंद तो बंद, बोले बताइए उतनी दूर से आए, तो हमने कहा भाई अब शाम 4 बजे तक बैठिए, इंतजार करिए, फिर माँ का सौभाग्य दर्शन होगा आप लोग को। फिर वो शाम 4 बजे तक बैठे हुए थे,
फिर दर्शन करके ही फिर रवाना हुए। बोले गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ, अब इतनी दूर से आए, लालसा लेके आए, तो हमने कहा कि हम दो घंटे और रुकेंगे और माई का दर्शन करके फिर जाएंगे। पुलिस कैसी करतूत जिसने जहाँ खाकी को शर्मसार किया, वहीं यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब लोग किस पर विश्वास करें, हमारी रक्षा अब कौन करने वाला है। अभी जहाँ तक पुलिस को तस्करों एवं गुंडों का संरक्षक माना जाता था और अवैध वसूली के लिए पहचान बनी हुई थी, वहीं अब यह सवाल उठना लाजमी है, क्या पुलिस हमारी रक्षक है। रीवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन पांडे द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस का घिनौना चेहरा सामने लाते हुए बताया कि रीवा के केंद्रीय जेल में ADJ लावानिया द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधिक प्राधिकरण अधिकारी ADJ विपिन लावानिया से जेल में बंद महिला कैदी ने अभ्यति कहा। उसने बताया कि मेरे साथ 9 मई को मनुआ थाना प्रभारी द्वारा 11 दिन लॉकअप में रख SDOP बाजपा SI मृगेन्द्र सिंह बघेल सहित 3 आरक्षकों द्वारा लगातार बलात्कार किया गया, जिसके बाद ADJ द्वारा मामले की जानकारी CGM को दी गई। CGM द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सत्र न्यायाधीश अरुण सिंह को कार्रवाई के लिए कहा गया। वहीं जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंचन चौकसे को जांच का जिम्मा दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को घटना को लेकर पत्र भी लिखा, जिसकी जानकारी लेने पहुंचे पत्रकारों को पत्र की अनुभविकता होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई। वहीं अब देखना यह है कि अति संवेदनशील पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। प्रस्तुत अधिवक्ता अध्यक्ष राजेंद्र पांडे से जानकारी के अंश। प्रस्तुत है अधिवक्ता अध्यक्ष राजेंद्र पांडे से जानकारी के अंश। देखिए 9 मई 2020 को मनगवा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ, परिंदा गांव है, थाना मनगवा में, चौकी मनिकवार। उसमें मर्डर के बाद 9 मई को एक महिला कस्टडी में ली गई और उसको लॉकअप में बंद किया गया। 9 मई से लगातार वो 20 मई तक मनगवा थाने के लॉकअप में बंद रही। उसका आरोप यह है, उसने जो अपने बयान में कहा है कि इस अवधि में जो वो 10 दिन 11 दिन उसको लॉकअप में रखा गया, TI SDOP एक दादा करके कोई पुलिस वाला है और दो और पुलिस वाले, कुल 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। और जिस समय रेप हुआ, लॉकअप के गेट पर सुप्रिया जैन कोई महिला सब इंस्पेक्टर है, वो खड़ी थी। अब पूनम नाम की महिला आरक्षक उसमें रोक रही थी, जिसको लोगों ने गाली वोली दे के वहाँ से भगा दिया। उसको 21 तारीख को कोर्ट में पुटअप किया गया और फिर उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद उसने अपनी जो महिला वार्डन है, महिला बैरक की, उसको एक हफ्ते बाद ही बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उस महिला वार्डन ने इसकी कोई शिकायत आगे नहीं भेजी। हमारे न्यायालय से रूटीन चेकअप में जाते हैं यहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट और विधिक प्राधिकरण के अधिकारी। विधिक प्राधिकरण अधिकारी श्री विपिन लावनिया 3-4 दिन पहले जेल निरीक्षण में गए, उनके साथ में लाभ सर अभय मिश्रा और हमारे साथ के वकील हैं सतीश मिश्रा, ये 3 लोग गए। लावनिया साहब जो हमारे यहाँ ADJ हैं, उनके सामने उस बंदी का बयान हुआ जिसमें उसने बताया कि 9-5 और से 20-5 के बीच में उसके साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया। हमने इस बात की शिकायत इनको बताई, महिला वार्डन को, तो इसने हमारी शिकायत नहीं की। तो लावनिया साहब ने उसका पूरा बयान नोट किया, उस बयान को CGM को कार्रवाई के लिए दिया। CGM ने हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दिया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने उस पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए कंचन चौक से हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट हैं उनको सौंप दिया और SP रिव्या को एक पत्र कार्रवाई करने के लिए भेजा, वो 14 तारीख को भेजा गया, जिस पर SP साहब का अभी तक ये कहना है कि मुझे वो पत्र प्राप्त नहीं हुआ। और डिस्ट्रिक्ट जज के कार्यालय से SP ऑफिस की दूरी मुश्किल से 50 मीटर से कम हो। रीवा जिले की कानून व्यवस्था कैसे सुधरी जब बलात्कारी TI होंगे, SDOP इस तरह के लोग बने रहेंगे और शिकायत करने पर जिले का पुलिस कप्तान ही कहेगा कि हमको शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई। भाई उसने बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने, सही है या गलत ये तो विचारण का विषय है, न्यायालय तय करेगा, ये कोई पुलिस का आदमी तय नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बताया ना, जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश हो गया, कंचन चौक से कर रही है जुडिशियल इंक्वायरी, पर उनको हटाने का, उनके खिलाफ FIR करने का, उनके विरुद्ध
विरुद्ध कार्रवाई करने का काम तो पुलिस को करना है। अभी भी पदस्थ थाने पर, उस थाने में ना होंगे, बगल वाले में होंगे, लेकिन बलात्कारी बगल वाले थाने में रहे, उस थाने में रहे, उसको तो हटना चाहिए। अब ये तो आप एसपी से पूछ रहे ना, वैसे आप दरिगार्ड में बता दूं, शायद कोई बारीवा एसडीओपी था, 100% कन्फर्म नहीं हूँ मैं, वो 9/5 से 20/5 के बीच में थे ये लोग, और शायद जो रायपुर में है, क्यों रायपुर में पोस्टर है वर्तमान में टीआई, शायद वो थे मनगमटिया। चार्ज मेरा होगा टीआई। एफडी के द्वारा धन दुगना करने का सपना दिखाने लाखों रुपए ऐड कर ट्रक एवं 4 चक्का वाहन खरीद लिया। जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठग को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया। चाकघाट थाना अंतर्गत ग्राम बघेड़ी निवासी लालमणि केवट की जमीन का हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहण किया हुआ था, जिसका मुआवजा 39,50,000 रुपए मिला था, जिसके बाद पीड़ित द्वारा देवेंद्र सिंह को पचामा यूनियन बैंक में एफडी के लिए 31 लाख रुपए दिए। आरोपी उसे लेकर बैंक गया, कागजातों में दस्तखत भी करवाए, लेकिन खाता नहीं खुलवाया गया। वहीं पीड़ित 4 साल बाद रुपए लेने पहुंचा तो आरोपी द्वारा टालमटोल किया जाता है, जिसके बाद लालमणि बैंक गया और जानकारी ली तो पता चला कि उसके नाम कोई भी एफडी नहीं है। वहीं पीड़ित स्वागी पहुंच देवेंद्र उर्फ राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने पैसों से ट्रक एवं गाड़ियां खरीद ली हैं, जिसे पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। पूरा मामला यही है कि उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा मिला था सड़क वगैरह का, उसका करीब 21 लाख रुपया उसने अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिया था, और बाकी 2-2 लाख करके उसने 10 लाख रुपये भी लिए थे, और उस पैसे से अपना काम कर लिया था, और उसने उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट करा कर दोगुने करने के लालच में दिया था। तो मामला संज्ञान में आया ही, हमारे SDOP साहब और हमारे थाना प्रभारी सुहागी ने जाँच करने पर पाया कि इस तरह का अपराध घटित है, तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा कायम किया गया, और उन पैसों से जो उसने चीज़ें खरीदी थी उनको जब्त किया गया। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का पलटवार हुआ और एक बार पुनः शहर के बड़े कबाड़ी कारोबारी का प्रातः छापामारी कार्रवाई की गई। रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं एडिशनल SP सुकुमार वर्मा के मार्गदर्शन में समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर द्वारा स्टाफ के साथ मिल PTS में संचालित मुश्ताक कबाड़ी की यहाँ दबिश दे अवैध कबाड़ एवं नशे से संबंधित सामानों की जाँच की गई। वहीं पारदर्शिता लाने, CCTV कैमरा लगाने व प्रतिदिन की खरीद का रजिस्टर बनाने की भी हिदायत दी गई। प्रस्तुत है एक झलकी एवं एडिशनल SP सुकुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये प्लानिंग बनाई गई थी कि शहर में जो देहात क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं घटती हैं उनका माल कहीं ना कहीं कबाड़ियों के पास पहुंचता है किसी न किसी रूप में। इसी उद्देश्य से पहले भी एक तरह से रेड की गई थी कुछ महीने पहले, और ये फिर प्लान करके रेड की गई शहर के करीब 8 से 9 कबाड़ियों के यहाँ, जो बड़े बड़े कबाड़े हैं उनके यहाँ पर शहर की पुलिस और आसपास के देहात थानों की पुलिस को बुलाकर रेड कराई गई है। इस रेड में कुछ संदिग्ध लोगों के यहाँ पर संदिग्ध संपत्ति प्राप्त हुई है, जब्त हुई है, उसके कारण से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कबाड़ी की फरार भी बताया जा रहा है। हाँ, बिछिया थाना क्षेत्र में एक मामला आया, इसमें लाला कबाड़ी नाम से व्यक्ति वो फरार हो गया, वो मिल नहीं रहा है अभी, उसके यहाँ से कुछ संदिग्ध सामान मिला है। छोटी पुल के समीप एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कहा कि काम से निकाले जाने के बाद बेरोजगार हो चुके राजेश साकेत पिता भगवान दीन साकेत निवासी छोटी पुल ने बीती साल आत्महत्या कर ली। मृतक के छोटे भाई ने बताया कि राजेश रैम की कंपनी में काम करता था, जिसे पिछले 4 माह से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं विगत शाम राजेश के साथ कंपनी के कर्मचारी द्वारा गाली गलौज कर निकाल दिया गया था, जिसके बाद डिप्रेशन में आए राजेश ने उक्त आत्मघाती कदम उठाया, जिस पर आज परिजनों ने स्वतंत्र शर्मा के नेतृत्व में रिमकी कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई एवं आर्थिक सहायता की मांग कर PTS के पास
बॉडी रख चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते मार्ग घंटों बाधित रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस एवं तहसील दौरा समझाइश दे जाम खुलवाया गया। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। ये वार्ड 26 में जो कचरा गाड़ी का कलेक्शन होता है उस पर यह हेल्पर का काम करता था, इसका नाम था राजेंद्र चौधरी। ये वार्ड नंबर 6 हमारे धनेन्द्र भाई के वार्ड में रहता था। 7 तारीख को इसके साथ कुछ मारपीट की गई, इसके जहां जिस विभाग में ये रेमकी में काम करता था वहीं इसके साथ मारपीट की गई। कल इसको बुलाया गया कि आप आ जाओ वापस काम पर, लेकिन काम के लिए नहीं बुलाया गया, इसको बेइज्जत वहां पर बेइज्जत किया गया। 5-7 लप्पड़ मारे गए, मारपीट की गई इसके साथ। अपमानित होकर कल इसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। एक गरीब परिवार की तड़पती आशा और विश्वास चला गया। 2 बच्चे हैं इसके, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, 4। बताइए क्या करे ये परिवार। ना तो कंपनी वालों ने कल कोई बात की, ना आज बात की। ये निरंतर जाम चालू रहेगा जब तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता। जी मेरा राजेंद्र नाम है। जी मांग यही है कि हमारे जो बड़े भाई थे वो सुसाइड कर लिए, ये रैंपी कंपनी की वजह से, यहाँ पड़ताना की वजह से। 2 महीने से इनको पड़तालित किया जा रहा था। इनका क्या है, होली के दिन पांव टूट गया था, तो 2-4 महीने रेस्ट भी किए थे, जो कि ये बोल रहे हैं कि हम उनका पैसा दिए हैं, आधी तनख्वाह है, कुछ नहीं दिए हैं और बोल रहे पैसा दिए हैं। बाद में इनको नौकरी में बुलाया गया और इनके पीछे एक जासूस रखा गया, बार बार फ़ोटो इनकी जगह जगह खींच के और व्हाट्सएप में डालते थे कि ये राजेश ऐसा चलता है, ऐसा करता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बाद में मतलब 2 महीने से इनको परेशान किया जा रहा था और 7 तारीख को इनके साथ झगड़ा ही हो गया। मारे पीटे इनको, भगा दिए, इनका आई कार्ड छुड़ा लिए, पासबुक छुड़ा लिए और इनको भगा दिए वहाँ से। मतलब इतना घर आए, ऐसे आए कि जैसे कोई मतलब उनको लुटा लुटा के मारा हो। जब घर आए तो फिर मान लीजिए कुछ दिन तो रह गए, फिर 15 तारीख को शर्मा जी यहाँ पे कोई हैं तो वो फ़ोन लगाए रात में कि राजेश आप कल आना 16 तारीख को हमारे यहाँ पे, मतलब काम अपना काम ज्वाइन कर लेना। 16 तारीख को बुलाएं, 16 तारीख को भाई सुबह आया यहाँ, 2-3 घंटा बैठाए थे उनको, लेकिन काम के लिए नहीं, कौन से मकसद के लिए बुलाए थे पता नहीं, 2-3 घंटे बैठाए फिर उसको भेज दिए। क्या बात हुई, कैसे बात हुई, अब उनके बीच में हुई, अब घर आए वो 2-3 घंटे बाद सुसाइड कर लिए। हाँ, ये रैंकिंग कंपनी है जिसको नगर निगम में सफाई का ठेका मिला हुआ है, उसी के कर्मचारी हैं राजेश साकेत चौधरी उनका नाम है। उन्होंने शायद घर में फांसी लगा ली, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। उसी को लेकर के कंपनी से कुछ कंपनसेशन और लेकर के नौकरी को लेकर के यहाँ पर परिजनों ने आए हुए थे, उसी के संबंधित कंपनी के अधिकारियों से और कंपनी से चर्चा करने के पश्चात बात हो गई है और दाह संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं, सबको लेकर के जा रहे हैं। उनके मांगे आर्थिक सहायता और नौकरी को लेकर के थी, तो अभी वर्तमान में दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता दिला दी गई है और कंपनी ने 18 वर्ष से जो भी व्यक्ति उनके यहाँ होगा उसको नौकरी देने के लिए भी तैयार है। बच्चे छोटे हैं, उनकी वाइफ जिनको कहेंगे उन्हीं के लिए कंपनी नौकरी देने के लिए तैयार है। 2 लाख की तो नहीं हो पाई है, अभी हम लोगों ने 15,000 रुपये, 10,000 रुपये अभी दिए, 5,000 रुपये कल दाह संस्कार के लिए दे रहे हैं। बाकी कंपनी अपने स्तर पर बात करिए, जो भी अधिकतम आर्थिक सहयोग हो पाए कंपनी की तरफ से, कंपनी ने वादा किया है वो ऐसा करेगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें को आप पुनः करें। कोरोना के विचित्र सहयोग में आज से प्रारंभ हुई शारदीय नवरात्रि, रानी तालाब शक्तिपीठ दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु, पुलिस पर सलाखों के पीछे सामूहिक दुष्कर्म के लगे आरोप, अधिवक्ता संघ ने किया खुलासा, डीजे ने दिया जांच के आदेश। FD के नाम पर डकार गए 31 लाख शिकायत पर पुलिस ने जब्त किए ट्रक एवं 4 पहिया वाहन। आज की खबरों में बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।